So welcome back, learners. Welcome back and welcome to Binla Media, you guys. Thank you for joining in yet again. Shift 2 की बात कर रहे हैं, shift 1 discuss कर चुके हैं and I hope कि आपने सभी अपने दोस्तों को, अपने friends और अपने relatives, जो भी known ones हैं आपके, आपने सबको inform कर दिया है. जिन्होंने shift 1 miss किया है, guys, आप वो भी देख सकते हैं. अभी shift 2 की बात कर लेते हैं. और गाइज यही टाइम है, दिस इज़ द टाइम वेयर इन हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की. और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन रह जाता है जहाँ पर आप सब ट्रबलसम लाइक हो जाते हैं, यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज एंड मोमेंट एंड यू डो नॉट हैव टू गो आफ्टर द कॉन्सेप्ट एंड थिंग्स. आपको सिर्फ जो करना है वो क्या करना है, प्रैक्टिस. में यही कह रही हूँ गाइस, CHSL अगर क्रैक करना है तो लास्ट के इन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो है प्रैक्टिस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं गाइस. नेहा इज देयर, गुड आफ्टरनून नेहा. चलो नेहा, शिफ्ट 1 मिस कर दिया आपने, कोई बात नहीं गाइस, अपडेटेड रहो. अगर नोटिफिकेशन आता है तो फटाफट से ज्वाइन इन करो सेशन को, ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. चले बता दीजिए मुझे जरा आंसर. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. अच्छा अंडरलाइन कर देती हूँ मैं यहाँ, फ्रॉम जून 2017. ठीक है, प्रिया हैज बिन वर्किंग इन दिस स्कूल, हैज बिन वर्किंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जून 2017. बता देंगे, हैज बिन वर्किंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई. फ्रॉम जून 2017 कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल गलत है. बताएंगे फटाफट से बताएंगे गाइस. ए, दैट्स राइट, सिंस जून 2017, बिकॉज हम ओरिजिन बता रहे हैं, एक्शन का ओरिजिन बता रहे हैं. पॉइंट ऑफ ओरिजिन अगर हमारे पास है देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट. ठीक है ना. चलो नेहा सक्षम, वेरी वेल डन. ए इज करेक्ट. नेक्स्ट पर देखिएगा और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताएंगे फटाफट से. देखिए सिनोनिम फॉर किट, नेहा आपने लास्ट टाइम कहा था फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ा दिया है. आई गेस अभी थोड़ा सा क्लियर होगा, थोड़ा बोल्ड भी है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, राइट नेहा. चलिए बताएंगे फटाफट, किट सिनोनिम फॉर किट, किट के लिए सिनोनिम क्या होगा, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, एलिमेंट या पार्टिकल, बताइए. भाई फटाफट से बताओ गाइस. किट देखो, एक तरीके से किट को देखो तो इट इज अ सेट ऑफ टूल्स, अ सेट ऑफ टूल्स जो किट का मतलब होता है. ठीक है, तो आप मुझे बता दो क्या होगा, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, एलिमेंट, पार्टिकल. बिल्कुल सक्षम, इक्विपमेंट, इट विल बी इक्विपमेंट, क्योंकि हम टूल्स की बात कर रहे हैं भाई. बिल्कुल करेक्ट है सक्षम आपका आंसर, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. वेरी वेल डन सक्षम, वेरी वेल डन संजीव. ए वेरी गुड नेहा, दैट्स राइट. चलिए वेल डन, वेल डन. आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वन. यू नीड मीनिंग ऑफ दिस idiom, टच ऑल बेसिस, टच ऑल बेसिस. बताएंगे ए बी सी डी. फोर्स समवन टू डू समथिंग, इंक्लूड एवरीथिंग, स्ट्रेच योर हैंड्स हाई, इमेजिन यू आर फ्लाइंग. नाउ वी आर ऑल फ्लाइंग इन दिस स्काई and we all flying to grab this balloon or this you know cloud, wherein we'll all be on cloud 9. जैसे ही CHSL crack कर लेंगे आप सब, बताएंगे touch all bases क्या होगा answer. भाई touch all bases का answer क्या होगा, yes Neha, that's right, include everything, सब कुछ included है यदि तो touch all bases. yes Sanjeev, that's right, All से ही पता लग रहा है, everything आ गया. Very good. Common sense लगाएंगे ना, CHSL के question इतने difficult नहीं, English के इतने क्या, बिल्कुल भी difficult नहीं है, right? That's right, Saksham. B is correct. अगला देखेंगे, next one. Antonym for versatile. Versatile कौन होता है भाई, जिसके पास multiple skills होती हैं या जो बहुत ही adaptable है, flexible है, हर environment में ढल जाता है, उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल, जैसे कि मैं. ठीक है, चले आई एम जस्ट किडिंग. सो वर्सेटाइल इज जो कि जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, जो कि अडेप्टेबल है, जो फ्लेक्सिबल है. ऑपोजिट बताना है तो बताएंगे ऑनेस्ट, इनफ्लेक्सिबल, इनसिंसियर, ट्रूथफुल. क्विकली संजीव का आंसर आ चुका है, संजीव सेज इट विल बी सी, दैट इज
Sanjeev says it is going to be C, which is inflexible. That's right, Sanjeev. Saksham, देखो in insincere तो वो हो जाएगा जो कि non serious है, ठीक है? Insincere जो कि serious नहीं है. तो serious से versatile का कुछ मतलब ही नहीं. Inflexible is the correct answer. It will be the opposite. So option C, sorry, option B is the correct answer and not C. I'm really sorry, Saksham. Saksham, आपका जवाब सही है. संजीव, आपका जवाब गलत है. I'm sorry. Okay. Saksham, your answer is correct. That is option B. But option C is wrong. मुझे लगा कि वो आप दोनों के comments एक साथ थे तो मैं confused हो गई. Yes, Saksham. I just got confused. मैं उल्टा बोल रही हूँ. Antonym कर रहे ना तो मैं भी एकदम opposite हो गई. कोई बात नहीं. चलो. Yes, Saksham. I just got to see. I'm really sorry for that. आपका जवाब सही है. वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके comments देखने में. कोई बात नहीं. चले, सक्षम का जवाब सही है. इट इज इनफ्लेक्सिबल. एग्जाम क्रैक. करिश्मा राहुल, दैट्स राइट. बी, वेरी वेल डन. इट्स राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, क्लोज पैसेज की तरफ. बताएंगे, द ग्रेट स्टूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया. इट वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड ब्लैंक एम्परर अशोका. भाई एम्परर अशोका याद रखना एक ह्यूमन है, पर्सन है एक. अगर उसके द्वारा कोई चीज की गई है, कोई काम हुआ है, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी? विद, बाय, फ्रॉम, टू. बताइए. उन्होंने, उनके द्वारा कमीशन किया गया है. बताइएगा आंसर फटाफट से. चलो, बी बी, बिल्कुल राहुल. सक्षम, दैट्स राइट. बाय एम्परर अशोका. वेरी वेल डन नेहा. एग्जाम्पल. Oh God, Karishma, सबके जवाब एकदम सही आ रहे हैं. वेल डन. नेक्स्ट वन, बाय एम्परर अशोका इन थर्ड सेंचुरी, देन इट्स न्यूक्लियस ब्लैंक अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक. इट्स न्यूक्लियस ब्लैंक अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक कंस्ट्रक्चर, सॉरी, ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ब्लैंक द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा. ठीक है, इट्स न्यूक्लियस ब्लैंक क्या है? गेव, केप्ट, वॉज, वर. बताइए, क्या उनके न्यूक्लियस को हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया था? अगर दिया गया था तो वॉज गिवन होना चाहिए, वॉज केप्ट होना चाहिए पैसिव में, बट यहां पर दिया है गेव, केप्ट, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम दोनों. अब बताओ, वॉज की वर? यस राहुल, दैट्स राइट. इट विल बी वॉज, ऑप्शन सी. वेरी गुड एग्जाम क्रैक. जिन्होंने भी कहा है ऑप्शन सी, वॉज, बिल्कुल करेक्ट है. संजीव, अतुल, वेल डन. दैट्स राइट नेहा. So it was a spherical, simple hemispherical brick structure built blank the relics of the Buddha. Batayenge. Built aside, about, into, over. Guys, relics kya hote hain? Sanjeev, Saksham, fatafat se mujhe batayenge relics kya hote hain guys? बताएंगे गाइज रेलिक्स क्या होते हैं. देखो, रेलिक्स से, अगर आपको रेलिक्स का मतलब पता है तब आप जाके थोड़ा प्रेपोजिशन को सही तरीके से रख पाएंगे. रेलिक्स का बिल्कुल एग्जाम क्रैक, आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक करेंगे. रेलिक्स का मतलब जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, ठीक है ना, या पुराने जो कि सुराख हैं ऑफ द बुद्धा, जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं उनकी बात करें. So build about the relics of Buddha. Why about? And Atul says aside. Chalo, D bhi aa raha hai answer. Over. Bhai, hemispherical brick structure, simple hemispherical brick structure jo tha, wo banaya gaya jo relics the Buddha ke, unke. Bilkul, bilkul D. Yes, that is over the relics of Buddha. Yes. Over the relics. मैंने वही कहा था, अगर मीनिंग समझोगे तभी. देखो, इस प्रकार से relics और hemispherical, simple hemispherical brick structure बनाया गया था, ठीक है? चलो, बिल्कुल correct है D, जिन्होंने कहा. It was crowned by the chhatri, a parasol like blank symbolizing high rank. बताएंगे क्या? Yes, नेहा, सक्षम, D बिल्कुल correct है. आगे बताइए.
उसको फिर उस हेमिस्फेरिकल को क्राउन किया गया एक छतरी के साथ, ठीक है, उसके ऊपर एक छतरी भी लगाई गई, अ पैरासोल लाइक ब्लैंक सिंबलाइजिंग हाई रैंक। बताओ क्या ये हाई रैंक सिंबलाइज करता है, जो छतरी दी गई थी तो वो क्या था? इट वॉज अ पैरासोल लाइक ब्लैंक। क्या ब्रिज? ब्रिज तो नहीं है, छतरी को ब्रिज नहीं कह सकते। कंड्यूट क्या होता है? इट इज लाइक जो पैसेज होता है, जो एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है पानी निकलने का, तो वो भी नहीं हो सकता। वॉल की स्ट्रक्चर, ये दीवार तो नहीं है बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर है। इट इज अ स्ट्रक्चर, पैरासोल लाइक स्ट्रक्चर। छतरी को तुम दीवार नहीं कह सकते। वॉल, कंड्यूट, ब्रिज, इट विल बी सी स्ट्रक्चर। दैट्स राइट संजीव, ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट संजीव। वेल डन गाइज, वेल डन। नेक्स्ट वन, पैरासोल लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग हाई रैंक विच वॉज ब्लैंक टू ऑनर एंड शेल्टर द रिलिक्स। भाई उनको शेल्टर करने के लिए रिलिक्स को, उस चीज को इस्तेमाल किया गया था, और ऑनर करने के लिए छतरी यूज की गई थी। बताएंगे, इनफॉर्म्ड, प्रिडिक्टेड, इंटेंडेड, आउटलाइन, बताइए। बहुत सिंपल है, अगर मीनिंग अंडरस्टैंड कर ली है तो इधर भी आंसर पिक करना बहुत ही ज्यादा इजी है। बताइए, बी प्रिडिक्टेड। नो संजीव, नॉट प्रिडिक्टेड। यस सक्षम, इंटेंडेड, मतलब उनका इंटेंशन ही ये था, उनका जो इरादा था वो यही था, तो दैट विल बी इंटेंडेड। दैट्स करेक्ट सक्षम, इट विल बी इंटेंडेड, विच वॉज इंटेंडेड टू ऑनर एंड शेल्टर द रिलिक्स। वेल डन सक्षम, वेरी वेल डन। चलो मैंने मीनिंग भी बता दिया, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं उसका उसका रीजन क्या था उसको लाने का, उसका इंटेंशन क्या था ये स्ट्रक्चर या छतरी बनाने का, उसका कारण ये था, इट वॉज इंटेंडेड टू ऑनर एंड शेल्टर द रिलिक्स। वेल डन नेहा, दैट्स राइट। नेक्स्ट देखिए, ग्रामेटिकल एरर। ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। बताइए, बताएंगे क्विकली, एरर, वेयर इज द एरर इन द सेंटेंस? वेयर डज द एरर लाई गाइज? सी संजीव कह रहे हैं, सी नेहा कह रही है, बी। यस सी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द चैनल्स ऑन टेलीविजन गाइस, राइट? सिंगुलर नहीं हो सकता, वन ऑफ द चैनल्स होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी कहा है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम फॉर एनाडाइन। एनाडाइन क्या होता है? सिनोनिम चाहिए आपको, ठीक है, यू नीड सिनोनिम। बताएंगे एनाडाइन, गाइज एनाडाइन क्या होती है? समथिंग दैट्स डल, समथिंग दैट्स नॉट हार्मफुल। और सिनोनिम चाहिए, बता देंगे फटाफट से मुझे। नॉट हार्मफुल, समथिंग दैट इज डल, तो सिनोनिम क्या क्या हार्मफुल हो सकता है? ऑपोजिट हो जाएगा, बिनाइन हो सकता है, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, ऑपोजिट हो जाएगा, जाइगेंटिक, लार्ज होता है बिनाइन, क्योंकि ये क्या होता है? काइंड, जेनरस, तो ये भी नॉट हार्मफुल ही होगा। सो एनाडाइन का सिनोनिम बी, दैट इज बिनाइन। कौन सी टेक्निक अपनाई है गाइज? एलिमिनेशन टेक्निक अपनाई है। यस सक्षम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट संजीव, दैट्स राइट। जिन्होंने भी कहा है ऑप्शन बी, जवाब एकदम सही है। चलिए, एग्जाम क्रैक, दैट्स राइट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट, मूविंग अहेड।
ऑर्डर करना है क्विकली, ऑप्शन से देखेंगे 20 ही सारे ही हैं यहाँ पर, ठीक है? तो क्विकली लेट्स हैव अ लुक। मुल्ला नसरुद्दीन, ये दिस इज वन नेम गिवन, ठीक है, और मुल्ला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा देन अ लॉट ऑफ पीपल केम, देयर वाज अ मैन, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मैं ए को पहला मान के चल रही हूँ। लेट्स सी। मुल्ला नसरुद्दीन ओपन अ हेयर कटिंग सलोन एंड वॉज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर्स, बींग द फर्स्ट डे रेडी टू वेलकम, और पहला दिन था तो कस्टमर आए, तो ए डी पेयर बन रहा है, ए डी पेयर यहाँ पर रहा। आंसर इज ऑप्शन सी, बिल्कुल संजीव, दैट्स राइट, इट विल बी ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऑप्शंस तो उससे भी ज़्यादा सिंपल हैं, तो बिना देखे बिना कुछ करे आंसर मार्क कर सकते हो ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं देन विद दिस। एंटोनिम चाहिए फॉर नेब्यूलस गाइस, फॉर नेब्यूलस। नेब्यूलस क्या होता है बताएंगे फटाफट से मुझे। अनक्लियर, कोई चीज जो कि हेजी है, उसका ऑपोजिट चाहिए मुझे आपसे, बताएंगे। नेबुलस इज समथिंग दैट इज हेजी और अनक्लियर, मुझे ऑपोजिट चाहिए आपसे इसका। बताएंगे गाइस फटाफट। सक्षम कह रहे हैं सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अनक्लियर का ऑपोजिट क्या होगा, क्लियर ही तो होगा, दैट्स राइट सक्षम संजीव, नहीं हाँ एब्सोल्युटली राइट, इट विल बी सी, बैंग ऑन, दैट्स राइट। नेक्स्ट वन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ चुका है। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, गाइस किचन मत बोल देना, डोंट से किचन, किचन ऑप्शन में नहीं है। अ स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, भाई आजकल मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाउसेस में, आपने देखा होगा एक सेपरेट स्पेस होती है टू वॉश द डिशेज, उस छोटे से स्पेस को या उस रूम को हम क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। क्विकली लेट अस नो भाई, जल्दी से बताएंगे। देखो पैंट्री और लार्डर दोनों सेम है, पैंट्री और लार्डर दोनों सेम है, जहाँ पर हम कटलरी रखते हैं या जो बड़े बड़े कबर्ड होते हैं जहाँ पर हम फूड आइटम्स रखते हैं, दैट इज पैंट्री और लार्डर, दे आर द सेम। तो पैंट्री और लार्डर को तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं हाँ पैंट्री इज नॉट करेक्ट। स्कलरी, यस सक्षम, दैट्स राइट, स्कलरी इज द प्लेस जहाँ पर डिशेज वॉश होती हैं, दैट्स अ स्पेस, स्मॉल स्पेस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। एंटी रूम क्या होता है, इट इज अगेन अ बिग, इट इज अ, आप कह सकते हो इट्स अ रूम नेक और एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू द मेस, जहाँ पे खाना खाते हैं मेस में, जैसे मिलिट्री आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका मेस होता है जहाँ पे वो उनके टेबल्स होते हैं खाना खाते हैं, उसी के एडजेसेंट में एक वेटिंग रूम होता है जहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का, उसको हम एंटी रूम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एंटी रूम। सो दैट वे यू कैन मेमोराइज इट, ए इज डिफरेंट, बी और सी भी डिफरेंट है, आंसर इज डी स्कलरी। याद रखो स्कलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में भी आता है और अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप देख रहे हो आ ही चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फिलर, अर्थक्वेक इंस्पेक्शन ब्लैंक दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रीमर। गाइज अर्थक्वेक इंस्पेक्शन से ये जो है ये पता चला है, ये इंफॉर्मेशन पता लगी है, तो क्या हो सकता है, रिट्रैक्टेड, रिज्यूम, रीडायरेक्टेड, रिवील्ड। यस संजीव, उसी जगह की बात हो रही है संजीव, स्कलरी, यस, जहां पर बर्तन धोते हैं, यस दैट्स राइट। रिवील, यस सक्षम, नेहा, भव्या, दैट्स करेक्ट, इट विल बी दी रिवील, बिकॉज मैंने कहा इससे पता लगा है, अर्थक्वेक इंस्पेक्शन से ये चीज सामने आई है या पता लगा है, रिवील, बिकॉज रिवील मीन्स टू शो और टू डिस्प्ले और टू लेट नो,
राइट दैट्स राइट भव्या, दैट्स राइट संजीव, यस रिवील होगा करेक्ट आंसर। रिट्रैक्ट क्या होता है भाई? विड्रॉ करना। रिट्रैक्ट का मतलब टू विड्रॉ, वापस ले लेना। ओके चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गाइस, करेक्ट स्पेलिंग बताएंगे, पिक द करेक्ट स्पेलिंग। इंप्रेशनेबल, इम्पेकेबल, ससेप्टेबल, प्रोपेंसिटी बताएंगे। बताएंगे गाइस फटाफट से मुझे। सी ओके गाइस, द करेक्ट स्पेलिंग इज बी। इम्पेकेबल इज द करेक्ट स्पेलिंग। इम्पेकेबल का मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट है तभी ये स्पेलिंग भी परफेक्ट है। इम्प्रेशनेबल में डबल एस आता है, ससेप्टेबल में यहाँ पर एस मिसिंग है, प्रोपेंसिटी में एस आता है ना कि सी। तो ये स्पेलिंग्स गलत हैं, करेक्ट स्पेलिंग है इम्पेकेबल, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है चलो याद रखेंगे गाइज और अपने स्कोर काउंट करते रहेंगे, लास्ट में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वन, ईडियम का मीनिंग देना है, द बिग फिश बताओ। द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश एस्केप्ड। तो बिग फिश क्या होता है भाई बताएंगे फटाफट। बिग फिश भाई, बिग फिश क्या होता है गाइस? बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, ये भी आपने सुना होगा, एक idiom है, अ बिग फिश इन द स्मॉल पॉन्ड। चले डी डी बिल्कुल, मेन लीडर्स जो कि मेन कल्प्रिट्स थे वो नहीं पकड़ पाए, दैट्स राइट। संजीव स्पेलिंग्स तो याद करनी पड़ेगी, संजीव स्पेलिंग्स याद करनी पड़ेंगी। चले कुछ स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग रूल्स होते हैं बट ये नहीं होता कि कहाँ सी आएगा कहाँ एस आएगा। रूल्स होते हैं टी वाई, जैसे ये है आप देख रहे हो कि प्लूरल बनाना है तो कैसे बन सकता है, वो सबके रूल्स होते हैं। ठीक है बड़े लोग, यस दैट्स राइट। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट देखो जरा। इफ आई हैड वॉश्ड, इफ आ रहा है मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन है। हैड वॉश्ड पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाओ, हैव वॉच्ड। ठीक है, या तो हैव वॉच्ड होगा या फिर देखो प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट सिंपल भी डिड वॉच, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। हैव वॉच ढूंढो, है हैव वॉच नहीं है, हैड वॉच हटा दीजिए, डिड वॉच है, डिड वॉच्ड भी गलत है, आंसर मार्क कर दो ऑप्शन सी, कुछ नहीं करना है। कोई क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। यस दैट्स राइट संजीव, सी भव्या दैट्स राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिनका आंसर है ऑप्शन सी गाइस बैंग ऑन, आप सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। नेहा चलो नेक्स्ट वन, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करना सेंटेंस। द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड गिवन दैट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज के स्ट्रगल को प्रायोरिटाइज कर दो, क्योंकि भाई दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सो क्या हो, क्या करना है यहाँ पे बताइए। कुड प्रायोरिटाइज, मे बी मे हैव प्रायोरिटाइज और इज प्रायोरिटाइजिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट बताएंगे गाइज। देखो भाई ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, मस्ट बी प्रायोरिटाइज, मस्ट बी है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस। यस भव्या दैट्स राइट, वी डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट, इट विल बी नो इम्प्रूवमेंट, दैट इज करेक्ट भव्या, नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेहा संजीव चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुके हैं, नो इम्प्रूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं,
filler question hai. The reporter asks the politician, as a women leader, as a woman leader, what are some of the major blank that you face? Challenges, crunches, contest, crashes. Bataiye. सक्षम लास्ट वाले के लिए डी सही है. अब ये बताओ नेक्स्ट वाला. बहुत इजी, ये तो इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, बहुत ही इजी था. यस, चैलेंजेस, क्या हर्डल्स फेस किए? बिल्कुल करेक्ट है. व्हाट चैलेंजेस दैट यू फेस? सक्षम बिल्कुल करेक्ट है. ए संजीव, राहुल एग्जाम क्रैक, नेहा दैट्स राइट. ए वेल डन गाइज. नेक्स्ट वन, पैसिव फॉर्म बताना है, फटाफट से टेंस देख लो. मैं इस बार कुछ नहीं बता रही हूँ, आप मुझे बताओ विद इन सेकेंड्स. हैड हिट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. बताएंगे फटाफट से मुझे आंसर, फटाफट से बताएंगे, क्योंकि टेंस बहुत ही सिंपल है. चेंज आपको फटाफट से देखना है. परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या चेंज आती है वो याद रखिए, नोट कीजिए सेंटेंस के ऑप्शंस में और बस आंसर मार्क कर दीजिए. डी संजीव का आंसर, वेरी गुड संजीव, वेरी गुड. हैड बिन हिट, बिन आता है परफेक्ट में, बस खत्म कर दो, खत्म कर दो आंसर. बीन ढूंढ लो, कहीं और कुछ मत करो, बीन ढूंढ लो, दैट्स इट, एलिमिनेट करके. नेहा करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. भव्या जिन्होंने कहा डी करेक्ट आंसर, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन. नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पे फटाफट से. वन वर्ड, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन. भाई सेंटर ऑफ अटेंशन और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कौन होता है भाई? ऑर्गेनाइजर, पॉलिटिशियन, साइनोशोर या लीडर? बता दो, बहुत इजी है. ये तो ऐसे हो गया कि आपको हाईलाइट करके दे दिया है वर्ड, इतना इजी ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं. बताएंगे फटाफट से आंसर, इतने इजी ऑप्शंस दिए हैं गाइस, सच इजी ऑप्शंस आर देयर, यू कैन क्विकली ग्रैब इट इन सेकंड्स गाइस. संजीव भव्य सी बिल्कुल, साइनोशोर, साइनोशोर दैट्स राइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट्स करेक्ट. सक्षम, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है वर्ड, क्योंकि एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, याद रखना सक्षम, ठीक है. साइनोशोर, बाकी लोग भी जितने लोग हैं सब कमेंट करके पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा. अतुल, करिश्मा सब कहाँ गए वापस, क्विकली चलिए. नेक्स्ट वन, ग्रामेटिकल एरर, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विन्स बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर. बहुत ही सिंपल एरर है, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को एक बार, आपको खुद लगेगा कि ये तो वियर्ड है. बताइए फटाफट, यस भव्या, यस, यू हैव टू जस्ट प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन, यस यू विल गेट इट प्रैक्टिस. शिव का मैसेज आया है कॉमेंट, सी इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट. नो शिव, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. Resemble, D is correct because two की जरूरत नहीं है, ये two का usage गलत है. Because they do not resemble each other is correct. Resemble के साथ two का इस्तेमाल नहीं होता है guys. Resemble के साथ two का इस्तेमाल नहीं होता है, okay? चलिए भव्या देखो, क्लास आपको सीधा 9 बजे सुबह इंग्लिश का एडिटोरियल मिलता है, 10 बजे हम SSC का क्लास जो कोर्स चल रहा है वो है, और फिर इन बिटवीन 3 से 4 के बीच में आपको ये जो है हम प्रैक्टिस पेपर्स कराते हैं, ठीक है. चलिए भव्या, याद रखेंगे भव्या, और सेशंस को टाइमली ज्वाइन करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट योर फ्रेंड्स आल्सो नो अबाउट इट. जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि 9 बजे एडिटोरियल, 10 बजे SSC का कोर्स, और फिर हम प्रैक्टिस पेपर जो CHSL के लिए कर रहे हैं, ठीक है. चलिए 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 आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल संजीव, यस वही देखो, ये प्रपोजिशन टू नहीं आएगा, ओके. नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, गलत स्पेलिंग बतानी है. मेडिटेटिव, एप्रीहेंसिव, अपेंडेड, पेंसिव, बताओ
इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। क्विकली गाइस, फटाफट से बताएंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग। भव्या कह रही है ए, बिल्कुल करेक्ट है भव्या, बिकॉज मेडिटेटिव में आई आता है, मेडिटेटिव, दैट्स राइट। सक्षम, दैट्स करेक्ट। शिव, संजीव, वेरी गुड भव्या, दैट्स राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतीक, दैट्स राइट। चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइज। इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एग्जाम क्रैक होगा ही। लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से। फोर जंबल सेंटेंसेस हैं और अब आपको बताना है मुझे। यहाँ पर आप देख लो ऑप्शंस की मदद से, ए बी सी डी सारे ही दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। वकार इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी हु वेंट ऑन टू स्कोर। ओके, इंस्टेड, वकार को कुछ चीज़ दी गई लेकिन उन्होंने वो चीज़ अफरीदी को दे दी, तो वकार को क्या दिया गया? That was his team and Waqar Yunus handed him over a bat that belonged to Sachin Tendulkar. Okay. Sachin had earlier gifted Waqar his bat to take to Sialkot, Pakistan's world famous sports good manufacturing capital, get a custom made one replicated there. Waqar instead gave it to Afridi who went on to score a 37 ball century, the fastest ODI century. Okay. यहाँ पर डी में दिया है कि उन्होंने सचिन को गिफ्ट किया था। ओके, अभी सबके आंसर्स आ रहे हैं, ये बी आ रहा है सबका आंसर, देख लेते हैं। प्रतीक, भव्य, शिव, मैं, बी। बी का मतलब सीबीडी है, देखते हैं, सीबीडी है। तो डी के बाद तो ए आ ही रहा है, डी के बाद पैर, क्योंकि वकार को दिया, वकार ने अफरीदी को दे दिया, डी ए तो पैर बन ही रहा है। अच्छा, सी बी कह रहे हो, देख लेते हैं। व्हेन शाहिद अफरीदी हैड ब्लोन इन टू जॉइन द पाकिस्तान टीम ही डिड नॉट इवन हैव अ प्रॉपर बैट टू प्ले विथ। That was when his team mate Waqar Yunus handed him over a bat that belonged to Sachin Tendulkar. बिल्कुल CBDA. That's absolutely right. Option B is correct. नेहा, शिव, भव्या, प्रदीप, बिल्कुल करेक्ट है। CBDA is absolutely, absolutely correct. That's right. Very, very well done, guys. Very well done. चलो, तो इसी तरह से आपको गाइज प्रैक्टिस करनी है। आज यही दो पेपर प्रैक्टिस करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में और करेंगे। आज यही दो पेपर हैं, ठीक है, टू प्रैक्टिस। प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ओके। एंड मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है कि कल इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, सो प्लीज़ आई विल सी यू गाइज ऑन सैटरडे, ओके। चलिए गाइज, इसी तरह प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस पेपर्स जो है हम लेके आएंगे। 4:30 बजे मैथ्स की क्लास है, तो अटेंड कीजिए मैथ्स की क्लास सर के साथ। बिल्कुल, आप और भी ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करिए। एसएससी का जो कोर्स चल रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट, छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट जो आपको मिस लग रहा है, वो आप उस चीज़ को ज़रूर से वहाँ पे एनहांस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। थैंक यू। सक्षम, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है सक्षम, बिल्कुल, वो हमारे डिफेंस वाले चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऑल राइट गाइस, चलो, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलिए, वेरी वेल डन, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।